हेलो बच्चों, तो हमारा लघुत्तम समवर्त का सेकंड पार्ट है। इसमें हमारा क्या है, पहला प्रश्न है संख्या 60, 20 तथा 90 का महत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, पिछले पार्ट में हमने लघुत्तम समवर्तक किए थे, इसमें हम क्या महत्तम समवर्तक करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 60, 20 और 90 का आपको क्या चाहिए, महत्तम समवर्तक चाहिए। तो पहले तो फैक्टर करने के तरीके वही है, ठीक है, लेकिन आपको एक ध्यान रखना है कि इनमें यहां पर जैसे आप पहले भाग दोगे तो यहां पर क्या है, किसका भाग दोगे, तो आपको ऐसी ही संख्या का भाग देना है जो इन तीनों का विभाजित करे, इन तीनों में जिसका भाग जाए, इन तीनों को डिवाइड करे। ठीक है, जैसे यहां पर क्या है, दो है अपना पहला, टू, ठीक है, दो से 60 में देंगे 30 आएगा, 20 में देंगे 10 आएगा, 90 में देंगे तो 45 आएगा। ठीक है, आगे अब यदि लघुत्तम होता तो हम दोबारा दो का दे देते, क्योंकि 30 में भी दो का जा रहा है, 10 में भी जा रहा है, लेकिन 45 में दो का नहीं जा रहा है, इसलिए यहां पर आप दो का नहीं दे सकते। इसमें मैंने कंडीशन क्या बताई कि जब भी आपको महत्तम समवर्तक निकालना हो तो सभी संख्याओं में भाग जाने चाहिए, उसी संख्या का भाग आप दोगे। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसका भाग 30 में भी जा रहा हो, 10 में भी जा रहा हो और 45 में भी जा रहा हो, क्या है, कौन सी, यहां पर पांच, पांच का भाग, छोटे नंबर से ही स्टार्ट करें आप, बड़े में आप भूल सकते हैं, इसलिए तो 5 6 30, 5 2 10 और 5 9 45। अब देखें यहां पर ऐसा कोई नंबर जिसका भाग 6 2 और 9 में जा रहा हो, 6 2 और 9 को डिवाइड करें, ऐसा नंबर तो आपके पास नहीं है। ठीक है, इसलिए यहीं पर आप रुक जाओगे और यहीं से आपका महत्तम समवर्तक निकल जाएगा। आपको जिन संख्याओं का महत्तम निकल रहा है उन सभी में ही भाग जाने चाहिए, उसी नंबर को आपको लेना होता है कॉमन फैक्टर। अब इसमें क्या करते हैं, केवल साइड वाले नंबर को ही आप नोट करते हैं, नीचे वाले नंबरों को छोड़ देते हैं, यानी कि यहां पर आप क्या लिखोगे, 2 × 5, यानी आपका आंसर 10 हो जाएगा। तो 10 वह नंबर है जिसका भाग 60 20 और 90 में जा रहा है, मतलब 60 20 90 का महत्तम समवर्तक है, HCF है। ठीक है, फिर इधर आ जाते हैं आप, हमारा अगला प्रश्न है क्या दिया है, यदि 5 की पावर 3, 7 की पावर 2 तथा b बराबर 5 की पावर 2 × 7 की पावर 5 है, तो ए तथा बी का महत्तम समवर्तक क्या होगा। ठीक है, देखो इस प्रकार का क्वेश्चन मैं एलसीएम में भी किया था, तो उसका थोड़ा तरीका अलग था, यहाँ पर तरीका कुछ अलग है, लेकिन दोनों ही तरीके सरल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको महत्तम समवर्तक निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सरल तरीका है। देखो दोनों में पहले कॉमन देखें, 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, हमने लघुत्तम में बताया था कि बड़े पावर को उठा लेते हैं, इसका मतलब यहाँ पर छोटे पावर को लेंगे, यानी कि 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2 में छोटा क्या है, 5 की पावर 2। ठीक है, फिर अगला आप देखें कॉमन, तो 7 की पावर 2 और 7 की पावर 5, तो 7 लिखेंगे और 7 की पावर 2, दोनों में पावर छोटा हो। जब महत्तम करते हैं तो छोटे पावर को लिखते हैं, लघुत्तम लेते हैं तो बड़े पावर को लिखते हैं, इस प्रकार फैक्टर के रूप में जब आता है, और यही आपका आंसर इसका होगा, बिल्कुल सरल है, आपको कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है उसमें। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, तो अगला प्रश्न हमारा है क्या है, 7/9, 8/15 तथा 9/12 का महत्तम समवर्तक क्या होगा, इनका HCF चाहिए आपको। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इनका महत्तम समवर्तक चाहिए, तो ये थोड़ा सा अलग समस्या है। इसमें क्या है, बटे वाली संख्याओं का महत्तम समवर्तक निकालते हैं, तो आप क्या करते हैं, जब महत्तम समवर्तक का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, इनमें जो ऊपर वाली संख्या है, जो अंश है, मतलब न्यूमरेटर है, उनका क्या है, अंश का क्या निकालेंगे आप, महत्तम निकालेंगे। ठीक है, और नीचे वाला नंबर मतलब जो हर है, हर का क्या निकाल देंगे, लघुत्तम निकाल देंगे, ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। ठीक है, जब महत्तम निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का महत्तम, नीचे का लघुत्तम, यदि बटे वाली संख्याओं का रेशनल नंबर का यदि आपको लघुत्तम निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का लघुत्तम, नीचे का महत्तम। ठीक है ना, आ गए समझ में, तो इसका करते हैं। अब देखो इसमें क्या करोगे, तो ऊपर मतलब 7 8 और 9, तो यहां पर 7 8 9 इनका क्या निकालना है आपको, महत्तम निकालना है। ठीक है, और बटे में जो नीचे नंबर दिया है, यानी कि 9 15 12, क्या 9 15 12 का क्या निकालना पड़ेगा आपको, लघुत्तम समवर्तक निकालना पड़ेगा। ठीक
ठीक है, तो इनका महत्तम निकालेंगे। तो महत्तम का मतलब ये होता है कि जिन जिन संख्याओं का महत्तम निकाल रहे हैं उनमें भाग जाने चाहिए। तो आपको ऐसा नंबर दिखाना है जिसका भाग 7 में भी जाए, 8 में भी जाए और 9 में भी जाए, जो 7 को भी डिवाइड करे, 8 को भी डिवाइड करे और 9 को भी डिवाइड करे। तो ऐसा नंबर तो क्या है, 1 है, 1 है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप निकाल के भी देख सकते हैं इसका महत्तम, जैसे अभी पिछले क्वेश्चनों में निकालना मैथ सर बताया आपको। अब इधर देखो, 9 15 12 का लघुत्तम निकाल। लघुत्तम हम पिछली वीडियो में सीखा हमने, यदि नहीं देखा हो तो पिछली वीडियो को आप देख लीजिए कि यहाँ पर ऐसी संख्या जिसमें 9 का भाग जाए, 15 का भाग जाए और 12 का भाग, इन तीनों ही संख्याओं का भाग जाए ऐसा नंबर, तो यहाँ पर क्या है, इसके लिए या तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे 9 15 और 12 का लघुत्तम निकालेंगे तो पहले किसका जा रहा है, 3 का, ठीक है, 3 3 9, 3 5 15 और 3 6 12। फिर अब देखें यहाँ पर सिंगल सिंगल है तो इनका गुणा कर दें, यहाँ पर तो 5 6 20, 20 3 60, 60 3 180, यानी इनका जो लघुत्तम निकलेगा वो कितना आएगा, 180 आएगा। मतलब 180 ऐसा नंबर है जिसमें 9 15 12 तीनों का भाग जाता है। तो इस प्रकार 7 बटे 9, 8 बटे 15, 9 बटे 12 का जो लघुत्तम महत्तम समापवर्त आएगा वो कितना आएगा, 1 बटे 80 आएगा। और यही तरीका लघुत्तम का रहता है, बस ये लघुत्तम यदि निकाल रहे बटे वालों का, ऊपर वाली संख्याओं का लघुत्तम निकालो, नीचे का महत्तम निकालो, और कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपको लघुत्तम और महत्तम जनरल निकालना सीखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, तो अगला प्रश्न हमारा है 64 120 तथा 144 का महत्तम समापवर्तक, HCF आपको निकालना है, ठीक है। तो महत्तम समापवर्तक मतलब यहां पर देखें कैसे निकालोगे आप, तो 64 120 और 144, इसका आपको क्या निकालना है, महत्तम निकालना है, ठीक है। तो काटें इसको, क्या आता है, 2 से भाग जाएगा, पहले 3 में भाग जा रहा है तो कितना, 32 60, 2 7 14, 2 2 60, फिर किसका भाग जा रहा है, 2 का, तो कितना, 16 30 और 36। देखो फिर दोबारा 2 का भाग जा रहा है तो देखें यहाँ पर क्या है, 8 15 और 18। अब यहाँ पर देखें, अब किसका भाग जा रहा है, तो 2 का भाग जो है वो 8 और 18 में जा रहा है लेकिन 15 में नहीं जा रहा, 3 का भाग 15 और 18 में जा रहा है लेकिन 8 में। मतलब अब आपके पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका भाग 8 15 और 18 तीनों में जाए, एक को छोड़कर, एक का तो जाना ही है, उसको तो आप रोक ही नहीं सकते। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आप स्टॉप हो जाओगे, अब आपके पास यहाँ से कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर आप महत्तम निकाल दो, मतलब जो साइड में जो नंबर आए केवल उनका इंटू करना महत्तम है, लघुत्तम में सभी का कर लेते हैं। तो महत्तम में किन का गुणा करोगे, इनका, ठीक है। यानी कि इसका मतलब यह है कि यहां पर 2 2 और 2, यानी कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 8 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार अपना जी इनको नोट कर लें, ठीक है। देखें तो अगला प्रश्न हमारा है क्या है, यदि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त क्रमशः 396 तथा 12 हैं, यदि उनमें से एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। हमको लघुत्तम दिया है LCM, महत्तम दिया है HCF और 2 संख्याओं में से एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या आपको मालूम करना है। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है लघुत्तम समापवर्त इंटू महत्तम समापवर्तक बराबर होता है संख्याओं का गुणा, संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है लघुत्तम गुणा, लघुत्तम समापवर्त इंटू महत्तम समापवर्त बराबर संख्याओं का गुणा। अब चूंकि यहां पर लघुत्तम LCM कितना दिया है, 396, तो ये लिख देंगे यहां पर, ठीक है। दूसरा यहां पर महत्तम कितना दिया है, तो देखें यहां पर महत्तम दिया है 12, तो ये 12 लिख देंगे बराबर संख्याओं का गुणा। तो 2 संख्याओं में से एक संख्या बराबर कितना, 36 है, दूसरी संख्या मालूम करने तो मैंने यहां पर x यहां पर मान लिया, ठीक है। अब चूंकि आपको x का वैल्यू चाहिए, मतलब दूसरी संख्या चाहिए, तो x को क्या है, इधर लाएंगे, मतलब यहां पर 36 को इधर लाएंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 396
इंटू 12 कौन सा लिखा है, ये वाले नंबर, और 36 इंटू में, इसलिए ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, भाग में आ जाएगा, ठीक है। अब इसका आप भाग दे दो, देखो 36 एकम 36 कितने बचे, 3, 36 एकम 36, तो आपका आंसर क्या बनेगा, 11 इंटू 12, तो 12 एकम 12, एक आंसर 12 एकम 12 और एक 13, मतलब 132, तो आपका आंसर क्या जाएगा, 132 आ जाएगा, मतलब दूसरी संख्या कितनी है, 132 है, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न हमारा है, क्या है, 45, 60 तथा 75 का महत्तम समापवर्त तथा लघुत्तम समापवर्त का योग क्या होगा। यहाँ पर आपको इन तीनों का एलसीएम भी निकालना है, इन तीनों का एचसीएफ भी निकालना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर देखें, महत्तम निकालते हैं किसका, 45, 60 और 75 का, यहाँ पर एलसीएम निकालें, यहाँ पर महत्तम, सॉरी यहाँ पर मैं महत्तम निकाल रहा हूँ, कोई कुछ भी आगे निकालने का। अब देखो 45, 60, 75 में दो का भाग तो नहीं जाएगा, किसका जा रहा है, तीन का, तो तीन का भाग दे दोगे, कितना जाएगा, 15, 3 × 6 मतलब 20 और इधर कितने, 25, ठीक है। अब देखें यहाँ पर 45, 20 और 25 में किसका भाग जा रहा है, 5 का, ठीक है, तो 5 का देते हैं, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 20 और 5 × 5 = 25। अब इन तीनों में किसका भाग जा रहा है, तो किसी का भाग नहीं जा रहा है, यहाँ पर 3, 5 कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब महत्तम क्या जाएगा आपका, तो महत्तम आ जाएगा केवल साइड वाली संख्याओं का इंटू, मतलब 3 × 5 यानी कि 5 × 15, जी तो महत्तम निकला। दूसरा आपको क्या चाहिए, लघुत्तम भी चाहिए इनका, तो लघुत्तम चाहिए, तो यहाँ पर इसी प्रकार मैं लघुत्तम भी निकाल के आपको बता देता हूँ, तो आपको समझ में ये भी आ जाएगा कि दोनों में फर्क क्या होता है इसमें, ठीक है। इधर यहाँ पर लघुत्तम निकालेंगे, तो इधर तक तो आप यही कर सकते हो, जैसे पहले 3 से भाग दे सकते हो, तो कितने जाएंगे, 15, 20 और 25, फिर 5 का भाग दे सकते हो, तो 5 का भाग दोगे, तो यहाँ पर क्या, 5 × 15, 5 × 20 और 5 × 5 = 25, ठीक है, तो यहाँ पर 5 × 5 = 25, ठीक है, ये कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो नीचे कितने बचे, 3, 4, 5, इनमें यदि दो संख्याओं में कितनी भाग जाता तो आप दे देते, लेकिन नहीं जा रहा, तो अब इनका क्या करोगे आप, लघुत्तम निकालोगे। तो लघुत्तम समापवर्त में क्या होता है कि इन तीन सभी संख्याओं को लिख लेते हैं इंटू में, मतलब 3 × 5 × 3 × 4 और × 5, ठीक है, इनका इंटू करेंगे तो लघुत्तम निकल जाएगा। करें यहाँ पर 5 × 4 = 20, 30 = 60, 60 × 5 = 300, 300 × 3 यानी कि 900, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना बनेगा, 900, ठीक है। महत्तम कितना आया, 15, लघुत्तम कितना आया, 900, क्या चाहिए, ई योग, तो आपको चाहिए ई योग, तो इन दोनों का योग कितना आएगा, तो 900 और 15 मतलब 915 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने यही पूछा था कि महत्तम तथा लघुत्तम का योग क्या होगा, तो महत्तम और लघुत्तम निकाला और दोनों को जोड़ दिए, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। और महत्तम और लघुत्तम में क्या फर्क होता है वो भी आपने यहाँ पर अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, संख्याओं 14 और 28 का महत्तम समापवर्त 14 है, इनका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, ठीक है, इनका महत्तम एचसीएफ दिया है, एलसीएम आपको निकालना है, इसी फॉर्मूले का ही हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है लघुत्तम गुणा महत्तम बराबर संख्याओं का गुणा, ठीक है। अब देखो लघुत्तम आपको पता नहीं है, ठीक है, लघुत्तम समापवर्त आपको पता नहीं है, इंटू महत्तम, तो महत्तम कितना है, 14 बराबर क्या है, संख्याओं का गुणा, तो पहली संख्या 14 इंटू दूसरी संख्या 28, ठीक है। यहां से देखें जैसे क्या है, 14 से 14 तो कट जाएगा, तो आपका लघुत्तम कितना आ जाएगा, लघुत्तम समापवर्त बराबर 28 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, उसी फॉर्मूले का यूज मैंने यहां पर कर लिया, ठीक है, और उसी का होना है यहां पर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो अगला प्रश्न हमारा है, दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्त होगा, यदि आपके पास दो अभाज्य संख्या है, कोई दो प्राइम नंबर है, उनका यदि आप क्या निकालो, महत्तम समापवर्त निकालो, एचसीएफ निकालो, तो क्या होगा, तो जब भी दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम निकालते हैं तो कितना आता है, सदैव एक आता है, ठीक है, किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम सदैव एक आता है, और अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम यदि आता तो उसका आंसर होता है उन संख्याओं का गुणनफल, उन संख्याओं का मल्टीप्लाई, ठीक है, तो इसको यहां पर आप नोट करें, ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे।